अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ की टीचर मिस महनूर। आज के इस लेक्चर में हमने रिवीजन करनी है मैथ के सिलेबस की। कुछ टॉपिक आज हम करेंगे, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिवीजन का। तो आज के इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे और आपने इन रिवीजन पेजेस की, इसके मुतालिक जितने पेजेस होंगे वो आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है आज पेज नंबर 68। पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा काउंट एंड ऐड। आपने क्या करना है, काउंट करना है और उसको ऐड करना है। ये लेक्चर हमारा सब्ट्रैक्शन का है। इस टॉपिक में हम सब्ट्रैक्ट एडिशन का है। इस लेक्चर में हम ऐड करेंगे। तो ऐड में क्या है, फर्स्ट पे काउंट एंड ऐड। फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट बैलेंस है, तो क्या करना है, हमारे पास वन शेप में 5 मेलन्स हैं और सेकंड शेप में 3। तो उससे क्या करेंगे, 5 + 3, 5 में जब 3 को ऐड करेंगे तो क्या आता है, 8। नेक्स्ट पे शेल्स हैं, शेल्स जो हैं फर्स्ट ब्लॉक में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं। 2 + 8, जब 2 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आता है, 10। नेक्स्ट पे वाइलेंस हैं, 4 वाइलेंस वन शेप में, सेकेंड शेप में 5 वाइलेंस हैं, 4 + 5, 9। 3 + 7, 10। नेक्स्ट है यूज है नंबर 9 टू हेल्प यू ऐड। आपने नंबर 9 को यूज़ करना है और हेल्प करेगी आपकी ऐड करने। 1 + 7, 1 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8। 1 + 7, 8। 3 + 1, 4। 3 में जब 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे आंसर आएगा आपके पास 4। 8 + 2, 8 में 2 ऐड करेंगे आंसर आएगा 10। 5 + 4, 9। 6 + 4, 10। 1 + 6, 1 में 6 ऐड करेंगे 7। 2 में से 5 ऐड करेंगे आंसर आएगा 7। 7 में 3 ऐड करेंगे 10। 7 + 2, 9। 5 + 5, 10। 3 + 4, 7। 2 + 8, 10। इनको आपने नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करके अपने आंसर इन बॉक्स में राइट आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे हमारे क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन के। क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द नंबर 9 टू हेल्प यू सब्ट्रैक्ट। आपको नंबर 9 यूज़ करनी है कि वो आपको हेल्प करे सब्ट्रैक्ट करने में। आपके पास 4-7 लाइन्स हैं, ये आपने नंबर 9 यूज़ करनी है। 7 लाइन्स हैं आपके पास, 7 लाइन में से आपने 5 को कट कर देना है। 5 लाइन्स को जब आप कट करेंगे तो कहाँ 1 से लेके आपने 7 तक काउंट करना है। आपके पास 7 लाइन्स हैं, 7 लाइन्स में से आपने 5 लाइन्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 लाइन्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी लाइन्स बचेंगी, 2 लाइन्स। आपके पास आंसर आता है इसका 2। नेक्स्ट है आपके पास, आपने काउंट करनी है 1 से, 1 से लेके 8 तक, 8 लाइन काउंट की। 8 के बाद आपने उनमें से 4 लाइन्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 4 लाइन्स कट कर दी। 4 लाइन्स कट की तो बाकी कितनी लाइन्स बचती हैं, 4। उससे नेक्स्ट है 8 - 1, 8 में से 1 माइनस करेंगे आंसर आएगा इसका 7। 4 - 3, 4 लाइन्स हैं, उससे 3 माइनस करेंगे आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है 9 लाइन्स हैं आपके पास, नंबर लाइन पे आपने देखना है, नंबर लाइन आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट है 9 लाइन्स हैं, उसमें से आपने 6 सब्ट्रैक्ट कर दी। 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास कितनी लाइन्स बचती हैं, 3 लाइन्स। नेक्स्ट है 7 - 3, 7 लाइन्स हैं आपके पास, उसमें से 3 लाइन्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 4। नेक्स्ट है 8 - 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 10 - 7, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फॉलोइंग इन क्वेश्चंस को। 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 लाइन्स को लगाएंगे हम लोग, उनमें से 1 लाइन को कट कर देंगे, बाकी कितनी लाइन्स बचेंगी, 3 लाइन्स। नेक्स्ट है 10 - 3, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 7। नेक्स्ट है 4 - 2, 4 में से 2 माइनस किया 2, 10 - 1, 9, 10 - 2, 8, 6 - 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे आंसर आएगा 3। नेक्स्ट है 7 - 6, 1, 10 - 5, 5, 9 - 4, 5।
नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा 12, पेज नंबर 12। इसमें हमारे पास है सब्ट्रैक्शन और एडिशन के क्वेश्चन। फर्स्ट है ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट पे हमने ऐड करना है अपने नंबर लाइंस को यूज करते हुए। वन लाइन है आपके पास, उसमें आपने नाइन लाइंस को ऐड करना है। वन प्लस नाइन, वन और नाइन लाइंस को आप ऐड करेंगे तो टोटल कितने बनते हैं आपके पास, 10। नेक्स्ट है आपको एक वैल्यू दी है, ये ब्लैंक, उसमें आपने 10 लिखा है। नेक्स्ट पे प्लस किया 10, आपके पास आंसर आता है 10। अब आपने चेक करना है कि 10 में हम ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे कि आपके पास जो आंसर है वो 10 आए। 10 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 11। तो हम 10 में क्या ऐड करेंगे कि आंसर आएगा 10, 0। जब हम 0 में कोई वैल्यू को ऐड करते हैं तो जब 0 ऐड करने से हमारी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जो वैल्यू होती है वो एज इट इज आ जाती है। नेक्स्ट है 2 + 8, 2 में 8 ऐड किया 10। नेक्स्ट 6 = 10, 6 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे आंसर आए 10। 6 में 4 ऐड करेंगे आंसर आएगा 10। नेक्स्ट है 6 + 4, 10, 10 + 3, 10। बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे एडिशन के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टेक अवे फ्रॉम 10, हमने क्या करना है, सेपरेट करना है 10 में से। 10 - 2 = 8, 10 लाइन्स हैं आपके पास, उसमें से 2 माइनस करेंगे आंसर आएगा 8। नेक्स्ट है 10 - 5, 10 में से 5 माइनस करेंगे आंसर आएगा 5। इसी तरह आपने नंबर लाइन को यूज करते हुए सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। 10 - 6 = 4, 10 - 7 = 3, 10 - 4 = 6, 10 - 1 = 9। बाकी के क्वेश्चन इसके आप खुद सॉल्व करेंगे। इससे नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास है प्लेस वैल्यू नंबर अप टू 20। क्या करना है, हमने नंबर्स लिखने हैं, नंबर्स और नंबर नेम। फर्स्ट है हमारा फिल इन द मिसिंग नंबर, रीड एंड लर्न। फिल करना है हमने मिसिंग नंबर्स को, उसे पढ़ना है और रीड लर्न करना है। फर्स्ट आपके लिए सॉल्व किया गया है, एक बॉक्स है हमारे पास और उसमें 10 पेंसिल्स रखी गई हैं। वन बॉक्स और 10 पेंसिल्स। वन बॉक्स मीन्स 1 10 एंड 1 0 1। वन बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं यानी 1 10 एंड 0 1। 1 10 को ऐड करेंगे जब हम 0 में तो क्या आएगा, 10 को जब ऐड करोगे 0 में तो आता है हमारे पास आंसर 10। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं, क्या लिखेंगे, 1 10 और सेपरेट कितनी पेंसिल्स हैं, 1। क्या आएगा, 1 10 एंड 1 1। जब हम 10 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 11। नेक्स्ट है 10 + 2, यानी 1 बॉक्स में 1 10 एंड 2 1। नेक्स्ट है 10 + 3, 13, 1 10 एंड 3 1। उससे नेक्स्ट है 10 + 4, 14, 1 10 एंड 4 1। बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। आपने इन लेक्चर की, इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पेपर करते हुए किसी भी बात की कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द, पेज नंबर है 45 का क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द मिसिंग नंबर एंड लर्न द नंबर नेम। क्या करना है, आपने मिसिंग नंबर को लिखना है और उसके नंबर नेम्स को लर्न करना है। 1 stock of 10, आपके पास एक स्टॉक है उसमें 10 ब्लॉक्स हैं। क्या लिखेंगे, 1 stock of 10, 10, TEN, 10। नेक्स्ट है 2 stock of 10, 2 tens में 10, 20, 20 के स्पेलिंग TWENTY, 20। थर्ड है 3 stock of 10, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 30, CHIRTY, 30। 4 stock of 10, 40, FORTY, 40। नेक्स्ट है 5 stock of 10, 50, FIFTY, 50। उसके नेक्स्ट है 6 stock of 10, 60, FIFTY, 60। नेक्स्ट है 7 stock of 10, 70, FEVENTY, 70। नेक्स्ट है 8 stock of 10, 80, EIGHTY, 80। नेक्स्ट है लास्ट है 9 stock of 10, 90, NINE, 9 TYT, 90। नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द
नंबर एंड द नंबर नेम्स हमने क्या करना है, फिल करना है नंबर्स को और उसके नेम्स को। पेज नंबर है 51। फर्स्ट पे हमें क्या दिया गया है, टू स्टॉक ऑफ टेंस, यानी टू टेंस मीन्स 20 और वंस कितने हैं यहाँ पे 0। 20 में जब हमने 0 को ऐड करना है तो क्या आएगा 20। 20 के स्पेलिंग क्या है, TWENTY 20। नेक्स्ट है हमारे पास टू स्टॉक ऑफ टेन यानी 20 और वंस कितने हैं यहाँ पे 1। 20 प्लस 1 21। TWENTY 20 ONE 1 21। नेक्स्ट है टू स्टॉक ऑफ टेन 20 और टू वंस यानी 20 प्लस 2 22। TWENTY 20 TWO 2 22। इसे नेक्स्ट है 20 प्लस 3 23। TWENTY 20 THREE 23। नेक्स्ट 20 प्लस 4 24। TWENTY 20 FOUR 4 24। नेक्स्ट टू स्टॉक ऑफ टेंस यानी 20 एंड 5 वंस। आपके पास जो वंस हैं वो 5 हैं और कितने स्टॉक हैं 2। टू कितने स्टॉक हैं, टू स्टॉक ऑफ टेन यानी 20 प्लस 5 25। क्या लिखेंगे इसके नेम 25। TWENTY 20 FIVE 5 25। स्टूडेंट्स इसके बाकी के क्वेश्चंस आपने खुद से सॉल्व करने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज है 68, पेज नंबर 68 एडिशन का। नाउ एट दीज हमारे पास स्टॉक किए गए हैं 30 स्टॉक ऑफ 10 प्लस 2 स्टॉक ऑफ 10। 3 स्टॉक ऑफ 10 यानी 30 एंड 2 स्टॉक ऑफ 10 यानी 20। 30 प्लस 20, 30 में जब 20 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50। नेक्स्ट है 40 प्लस 40 80। नेक्स्ट है 70, 10 प्लस 70, 10 में जब 70 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 80। उसे नेक्स्ट है 20 प्लस 60, 20 में 60 को ऐड करेंगे आंसर आएगा 80। उसे नेक्स्ट है 50 प्लस 40, 50 में जब 40 ऐड करेंगे तो आंसर आता है हमारा 90। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सब्ट्रैक्शन का पेज, पेज नंबर 69। आपके पास 80 टोटल स्टॉक दिए गए हैं, 8 स्टॉक दिए गए हैं, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं 5 स्टॉक को। जब आप 80 में से 5 स्टॉक, 8 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक्स को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी 3 स्टॉक्स हमारे रिमेनिंग बचेंगे। 3 स्टॉक्स मीन्स 30। नेक्स्ट है 90 माइनस 40, 90 में से जब 40 माइनस करेंगे आंसर आएगा 50। आपके पास 5 स्टॉक ऑफ 10 हैं, उनमें से आपने 5 ही सब्ट्रैक्ट कर देने हैं तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट है 70 में से आपने कोई भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, यानी 70 माइनस 0 70। उसे नेक्स्ट है 60 माइनस 30, आंसर है इसका 30। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है 90, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द एम्प्टी बॉक्स, 1 हैज बीन डन फॉर यू, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 हमारे पास 3 टाइम है, 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 3 टूज आर 6, आंसर इसका क्या है 3 टूज आर 6। नेक्स्ट है 4 टाइम 2 दिया हुआ है आपको और डिजिट क्या है हमारा 2, 4 टूज आर 8। नेक्स्ट है 5 टूज आर 10, 7 टूज आर 14, 4 टूज आर 8। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई टू आंसर दीज, 1 हैज बीन डन फॉर यू, मल्टीप्लाई करना है हमें आंसर को। ये हमारे पास स्टेटमेंट वाले आंसर है, हाउ मैनी आईज ऑन 4 कैट्स, कितनी कैट्स हैं 4, तो हर कैट की, एक कैट की कितनी आईज होती हैं 2, तो क्या करेंगे 4 टूज आर 8। 4 कैट्स हैं हमारे पास, हमने टोटल कैट्स की आईज बतानी है, 4 कैट्स की कितनी आईज बनती हैं 8 आईज। हाउ मैनी फीट ऑन 2 बॉयज, हमारे पास 2 बॉयज हैं, ईच बॉय हैज 2 फीट, 2 टूज आर 4। हाउ मैनी हैंड ऑन 6 गर्ल्स, 6 गर्ल्स हैं और ईच गर्ल हैज 2 हैंड। जब आपके पास 6 गर्ल्स हैं तो आपने क्या करना है, ईच गर्ल हैज 2 हैंड, तो क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 टू आर 12। नेक्स्ट है हाउ मैनी ईयर्स ऑन 9 टाइगर्स, 9 टाइगर्स हैं, ईच टाइगर हैज
2 ईयर्स, हर टाइगर के पास कितने ईयर्स हैं? 2 ईयर्स, तो क्या करेंगे? 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2 18। नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज, 92 पेज। 92 पेज में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट है हमारा, एग्जांपल दी है हमें, 2 फिश इन अ बाउल एंड 5 बाउल ऑन द शेल्फ। 2 फिश हैं हर बाउल में और 5 बाउल जो हैं वो एक शेल्फ पे रखा हुआ है। हाउ मैनी फिश इन द इन टोटल, कितनी टोटल फिशेज बनी? 5 बाउल्स हैं, इनमें कितनी फिश हैं? ईच बाउल हैज 2 फिशेज, उनमें 2 फिशेज हैं, तो क्या करेंगे? 5 2 10, 10 फिश। अब क्या करना है हमने? क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द मिसिंग नंबर। हमने क्या करना है? मिसिंग नंबर को फिल करना है। हाउ मैनी व्हील्स, कितनी साइकिल्स हैं हमारे पास? 3 साइकिल्स, हर साइकिल्स की कितनी व्हील्स हैं? 2 व्हील्स। अब क्या करेंगे? 3 साइकिल्स हैं हमारी और 2 व्हील्स हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। नेक्स्ट है हाउ मैनी ईयर्स, कितने रैबिट्स हैं हमारे पास? 5 रैबिट्स दिए गए हैं यहाँ पे, हर एक रैबिट के कितने ईयर्स हैं? 2, तो क्या करेंगे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10। नेक्स्ट है हाउ मैनी फीड्स, कितनी फीड्स हैं टोटल, कितने है हमारे पास चिल्ड्रन हैं यहाँ पे? 6 चिल्ड्रन हैं, हर चाइल्ड के कितने, एक बच्चे के कितने पाँव हैं? 2, तो हमने क्या करना है? 6 टोटल हैं और कितने पाँव हैं? 2, मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 के साथ, 6 2 12। तो स्टूडेंट, होपफुली आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस लेक्चर का अच्छे से रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी भी बात की कोई समझ नहीं आती तो आप ज़रूर पूछें। अगर आपको कोई सवाल है वो भी कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और स्टूडेंट, आपने अपने सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपनी प्रैक्टिस अच्छी सी करनी है ताकि आप पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर सकें। आपके पेपर में मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और नंबर नेम्स वाले क्वेश्चंस होंगे, आपके सिलेबस में यही है, तो जो आपको सिलेबस में दिया गया है उसी के मुताबिक आपका पेपर भी बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से अपने पेपर्स की रिविजन करनी है और पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करना है। आपके ऑनलाइन पेपर्स 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आपने का पेपर की टाइम लिमिट जो है, ड्यूरेशन वो एक लिमिटेड है, आपने उसी टाइम लिमिट के मुताबिक अपने पेपर्स को सॉल्व करना है। आपके टोटल पेपर 25 MCQs पे बेस करते हैं, टोटल मार्क्स हैं इसके 50। आपने अच्छे से MCQs को देखना है, अपना लेक्चर रिमाइंड करना है, उसको देख के और अच्छे से उसको सॉल्व करना है। पेपर्स के मुतल्लिक कोई कन्फ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं या स्कूल ऑफिस आके रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू।